हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स आप सबका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो ईपीएस 95 पेंशनर्स के द्वारा या एनएससी के द्वारा, ये कह लें कि एनएससी के द्वारा एक जो तो पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को और भी बड़े राजनेताओं को भी भेजा गया है, श्रम मंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को, कि भाई ईपीएस आगामी जो 5 राज्यों में चुनाव है उसे लेके, कि आगामी 5 राज्यों के जो चुनाव है उन चुनावों में ईपीएस 95 पेंशनर्स मतदान नहीं करेंगे, यानी कि वोट नहीं डालेंगे। क्यों वोट नहीं डालेंगे? क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं से अड़चनें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो उन रुकावटों को दूर करके ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करें, ताकि ईपीएस 95 पेंशनर्स भी वोटिंग कर सकें। जब तक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि नहीं होगी, तब तक ईपीएस 95 पेंशनर्स वोट डालने नहीं जाएंगे, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी को, समस्त उसके साथ साथ में नेता राजनेताओं को भी पत्र के माध्यम से पेंशनर्स अपनी बात को रख दिए हैं कि हम वोटिंग नहीं करेंगे जब तक हमारी पेंशन में वृद्धि नहीं हो जाएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा अपडेट है ईपीएस 95 पेंशनर्स के। अब देखना यह है कि सरकार इस पे क्या एक्शन लेती है, कौन सा कदम उठाती है। हमारे वीडियो के साथ में आप जुड़े रहें, आपको इसी प्रकार की जानकारी और जो तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपसे मिस न हो। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।